तो हमारा अगला कैरेक्टर स्केच है ऑफ चार्ली फ्रॉम द थर्ड लेवल तो फ्रॉम द स्टोरी द थर्ड लेवल वी कैन से चार्ली इज क्रिएटिव इन नेचर बिकॉज ही एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस विच माइट बी हिज इमेजिनेशन और ट्रू इन अ कीन एंड क्रिएटिव वे तो जब हम थर्ड लेवल पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि चार्ली जो है बहुत ज्यादा क्रिएटिव है क्योंकि वो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और वो बहुत सारी चीज़ें थर्ड लेवल के बारे में बताता है वी कैन से ही इज एडवेंचरस कॉज ही लाइक्स टू मूव ऑन एंड फाइंड आउट एवरीथिंग इन इन सराउंडिंग्स ही हैज़ द कैपेसिटी टू एक्चुअली गो इन द वर्ल्ड दैट ही लाइक्स तो जैसा कि हमने डिस्कस करा कि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है एडवेंचरस है वो अपनी ही एक दुनिया क्रिएट कर लेता है और उसमें गुम हो जाता है दोस्तों यहाँ पे ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चार्ली जो है अपनी प्रेजेंट लाइफ से खुश नहीं है जिसके कारण स्ट्रेस के कारण वो अपनी ही एक दुनिया बना लेता है चार्ली वॉज अ यंग मैन लिविंग इन न्यूयॉर्क ही वॉज मैरीड टू लुइसा चार्लीज हॉबी वॉज स्टैम्प कलेक्शन तो चार्ली एक यंग मैन होता है वो न्यूयॉर्क में रहता है अपनी वाइफ के साथ जिसका नाम है लुइसा और उसको स्टैम्प कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है और हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि स्टैम्प कलेक्शन को वो एज एन एस्केप यूज़ करता है अपनी रियलिटी से भागने के लिए चार्ली अपियर टू बी सफरिंग फ्रॉम फियर इनसिक्योरिटी एंड फियर ऑफ द वॉर रिडन वर्ल्ड ही वॉज लुकिंग फॉर एन एस्केप फ्रॉम दिस वर्ल्ड तो हम पढ़ते हैं चैप्टर में कि चार्ली जो है उसको बहुत ज़्यादा फियर है एन्जाइटी है इनसिक्योरिटी है और वो हमेशा गेल्सबर्ग की बहुत तारीफ़ करते रहता है कि वहाँ पे तो दुनिया बहुत ही अलग है बहुत ही पीसफुल है His longing for peaceful place like Galesburg made him straight to a corridor at Grand Central Station that took him to the third level of the station from where one could take train to the past year 1894. When he shared this incidents with his wife, she felt angry at it. she asked him to see his psychiatrist friend Sam. तो जब चार्ली घर आके अपनी वाइफ लुइसा को सारा इंसिडेंट बताता है तो लुइसा बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है और बोलती है कि तुम साइकियाट्रिस्ट सैम से मिलो सैम एक्सप्लेन द यूनिक एक्सपीरियंस टू बी चार्ली वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ही फर्दर एक्सप्लेन इट कुड हैपीनेस विद हिस प्रेजेंट लाइफ तो सैम लुइसा को बताता है कि चूंकि चार्ली अपनी प्रेजेंट लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी है उसको बहुत ज़्यादा एन्जाइटी है इनसिक्योरिटी है इसलिए वो थर्ड लेवल को एज एन एस्केप यूज कर रहा है अपनी रियलिटी से भागने के लिए तो हम चार्ली के कैरेक्टर को बता सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एडवेंचरस ही इज़ अ यंग मैन एंड इज सफरिंग फ्रॉम फियर इनसिक्योरिटी एंड ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज करेंट लाइफ दोस्तों हमारा लास्ट कैरेक्टर स्केच है ऑफ इवान्स इवान्स का पूरा नाम है जेम्स रॉड्रिक ईवान्स वो बहुत ज्यादा चालाक है स्मार्ट है और डिसीटफुल टाइप ऑफ प्रिजनर है वो बहुत बार जेल से भागने में कामयाब भी हो चुका है इसलिए जो जेल के लोग हैं उसे इवान्स ब्रेक बोलते हैं वो एक क्लेप्टोम भी है मतलब उसको चोरी की आदत भी रहती है एंड ही वॉज अरेस्टेड मल्टीपल टाइम्स विच मेड हिम अ थीफ इन द एंड He was shrewd enough to be able to escape from the prison as many as three times. He was very amusing and good at making friends. Though he did not have an attractive appearance, he had a cheerful smile. So his appearance was not attractive but a cheerful smile was always and especially prisoner officers. He had the ability to get people to do whatever he wanted. He also had a way with deception. वो एक स्किल्ड मिमिकर भी था यानी वो हुलिया बदलने में बहुत एक्सपर्ट था He took special care while disguising himself as others, especially in the one case where he disguised himself as the invigilator. We never see him losing his cool. हमको कभी नहीं देखने को मिलता है चैप्टर में कि इवान गुस्सा हो रहा है वो हमेशा ठंडे दिमाग में रहता था Which tells us that he is supremely confident of himself and always has a backup plan at hand. विथ इज चाम एंड एक्सपर्टाइज़ इज ऑलमोस्ट लाइक अ नेगेटिव हीरो क्योंकि जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि आखिरी में जो इवान्स है वो भागने में कामयाब हो जाता है तो इज ऑलमोस्ट लाइक अ नेगेटिव हीरो तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएगी पूरा नाम हो जाएगा जेम्स रॉड्रिक इवान्स कनिंग स्मार्ट एंड डिसीटफुल क्लेप्टोमैक कॉल्ड इवान्स द ब्रेक ही कैन डू वट ही वॉन्टेड ही वॉज अ स्किल्ड मिमिकर बहुत अच्छे से खुद को डिस्गाइज करता था एंड ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ नेगेटिव हीरो और इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो खत्म हो जाता है तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का टॉपिक कैरेक्टर स्केच अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स